हेलो फ्रेंड, मनीष कुमार चंद्रा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनीष चंद्रा, आज का टॉपिक है एक एक्सटेंशन बॉक्स रिपेयर के लिए आया हुआ है जो कि गोल्ड मेडल कंपनी का है। मनीष चंद्रा यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। मैं मनीष कुमार चंद्रा, मैं इसमें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का अनबॉक्सिंग एंड डिटेल्स बताते रहूँगा और शेयर भी करूँगा। तो इस चैनल में बने रहने के लिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें, धन्यवाद। यह एक एक्सटेंशन बॉक्स है जो कि गोल्ड मेडल कंपनी का है और यह रिपेयर के लिए आया हुआ है। दरअसल इसमें प्रॉब्लम यह है कि ये स्विच काम नहीं कर रहा है। एक बार पावर में लगाकर देखते हैं, इसको सप्लाई देख के देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। मैंने इसको यहाँ से सप्लाई दे दिया है, स्विच ऑन कर दिया है और फिर एक्सटेंशन बॉक्स में ये स्विच काम नहीं कर रहा है। ये स्विच काम नहीं कर रहा है, अगर काम करता तो ये लाइट चलता, लेकिन स्विच बार बार छोड़ ले रहा है। अब देखते हैं कि इसमें कौन सा स्विच लगा है, उसके बाद स्विच को रिप्लेसमेंट करते हैं। अब इसको अंदर से खोल कर देखते हैं कि इसमें कौन सा स्विच लगा हुआ है। तो इसको खोलने से पहले हम एक स्क्रू ड्राइवर की सहायता से खोलेंगे। इसके बैक साइड में स्क्रू लगा है, इसमें टोटल 6 स्क्रू लगा है। इसको अनस्क्रू करते हैं एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से, उसके बाद देखते हैं। इसको मैंने खोल दिया है, अब देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और किस टाइप का स्विच लगा हुआ है। जो स्विच लगा है वो यहाँ पर स्विच है और साइड में टोटल 4 LED लगा है, 1, 2, 3, 4, जो ब्लू कलर में इंडिकेटर टाइप जलता है। और यहाँ पर टोटल 6 सॉकेट लगा है, 3 इस साइड और 3 आगे में पैरेलल में। अब इस स्विच को निकाल के देखते हैं कि कौन सा स्विच लगा हुआ है, उसके बाद देखते हैं कि। और ये हमारा PCB है, सर्किट बोर्ड, और यहाँ पर बैक साइड में हमारा रेटिंग लिखा हुआ है, गोल्ड मेडल कंपनी का है और मैक्सिमम 2500 वाट में काम करता है और 10 एम्पियर मैक्सिमम लेता है और 250 वोल्ट AC सप्लाई लेता है और 10 एम्पियर में काम करता है। तो हम जो अभी प्रॉब्लम देख रहे हैं उसको हम देखते हैं। यह बस एक स्विच है, उसको एक बार निकाल के देखते हैं कि कौन सा स्विच लगा हुआ है। इसको खोलने के बाद ऑटोमेटिक काम करने लगा, देखो ये काम करने लगा है। इसको खोलने के बाद ऑटोमेटिक काम करने लगा है, एक बार इसको स्विच ऑन करके सप्लाई लेकर देखते हैं। अब इस स्विच को लगा के टेस्ट करते हैं। ये हमारा स्विच ओके है, ये अच्छे तरह से काम कर रहा है और ये हमारा बटन
लगाने से काम नहीं कर रहा है, मतलब इसका स्प्रिंग से काम करता है, ये हमारा बटन लगाने से काम नहीं कर रहा है, एसी में काम कर रहा है। एक बार ऑन करके देखते हैं, ये हमारा ऑन हो गया, ये अच्छे तरह से काम कर रहा है। और ये स्विच लगाने के बाद काम नहीं कर रहा है, जिसका हम जुगाड़ करते हैं अभी। इसमें एक स्विच में एक स्प्रिंग लग रहा था, वो जंग लग गया था और ख़राब हो चुका था, तो हमें इसको टेम्परेरी चलाने के लिए इसको स्विच को ऑन करके मैं डायरेक्ट मोड में सेट कर देता हूँ, ताकि इस वायर से लाइट जल जाए। अब स्विच को ऑन करता हूँ, यह डायरेक्ट हो चुका है। अब इस बटन को मैं लगा देता हूँ कि इसका शेप अच्छा लगे, ऐसे में गंदा दिखेगा। अब ये लग चुका है, और यह पर इसको चालू करके देखते हैं, यह हमारा ऑन हो चुका है। अब ये हमारा एक्सटेंशन बॉक्स ओके हो चुका है। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको जल्दी पता चले। सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन प्रेस को दबा दीजिए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड, अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड उसको शेयर करें, और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहूँगा यूट्यूब पर।